नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही खतरनाक खबर निकल के सामने आई है कि भारत और रूस ने मिलकर चीन और अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेल डाला है, जिसके बाद कि चीन और अमेरिका को भारी भरकम मात्रा में नुकसान हो रहा है। तो जानते हैं कि आखिरकार भारत और रूस ने मिलकर चीन और अमेरिका के खिलाफ क्या किया है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम रूस की ताकत को तो जानते ही हैं, और रूस दुनिया के तीसरे नंबर का तेल एक्सपोर्टर देश के साथ ही साथ हथियार एक्सपोर्टर देश भी है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अभी भी रूस भारी मात्रा में हथियार और तेल सप्लाई अलग अलग देशों को कर रहा है, क्योंकि युद्ध के बीच रूस को अपनी अर्थव्यवस्था मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में अपनी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए रूस को सालों का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, अब हो ये रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले जब रूस दुनिया को तेल और हथियार सप्लाई करता था, तो वो तीन तरीके से पेमेंट लेता था। पहला डॉलर में, दूसरा यूरोप की करेंसी यूरो में, और तीसरा गोल्ड में। लेकिन युद्ध के बाद यूरो और डॉलर का एक्सेस रूस से छीन लिया गया और बचा गोल्ड। गोल्ड को कई देश रिजर्व रखते हैं और हथियारों या तेल के बदले गोल्ड में पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन इसी बीच चीन ने अपनी चालाकी दिखाई और चीन ने रूस से कहा, आप हमारी करेंसी युआन एक्सेप्ट कीजिए और हम आपसे तेल, गैस और आपके हथियार खरीदेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर देश सऊदी अरेबिया है, उसके साथ भी चीन ने एक डील साइन कर ली है, जिसमें कि चीन ने सऊदी अरेबिया से कहा है कि हम आपसे तेल लेंगे और आप हमसे हमारी करेंसी युआन में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। और दोस्तों, इसके लिए सऊदी अरेबिया मान भी गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर चीन की प्लानिंग ये है कि वो अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा मजबूत करे, क्योंकि जितने भी देशों को पहले चीन अमेरिका की करेंसी डॉलर में पेमेंट करता था, अब उन सभी देशों को चीन अपनी करेंसी में पेमेंट करेगा, तो अमेरिका को इससे भारी भरकम नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही चीन रूस के साथ भी करने की सोच रहा है। लेकिन इससे ऐसा हो जाएगा, भारत और अन्य देशों को भी रूस से हथियार और तेल की पेमेंट करने के लिए पहले चीन की करेंसी को खरीदना पड़ेगा, और इसी के सहारे भारत और अन्य देश रूस को पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत और रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, किसी भी अन्य देश की करेंसी को पेमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे। यानी कि भारत और रूस आपस में व्यापार करेंगे, जिसकी पेमेंट भारत की करेंसी रुपी और रूस की करेंसी रूबल में ही होगी। और दोस्तों, इस ऐलान के बाद चीन और अमेरिका के होश भारत और रूस ने मिलकर उड़ा डाले हैं। वैसे आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।